हाय गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और फिजियोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज में अपन का अगला है टॉपिक है एनीमिया। ठीक है, इस टॉपिक इसमें अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे अपन एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया है क्या, इसके कितने टाइप होते हैं, किस टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है और क्यों एनीमिया होता है। मॉर्फोलॉजिकली बताया गया है, इटियोलॉजिकल इटियोलॉजिकल जो होता है डिसीज, कोई डिसीज की वजह से होता है, और इसके साइन सिम्टम्स देखेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले एनीमिया। एनीमिया इज द ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। मतलब ऑक्सीजन की जो अपन की ऑक्सीजन ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घट जाना ही क्या कहलाता है अपन का एनीमिया। तो एनीमिया होता क्यों है, किस वजह से इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटी है, तो उसके होते हैं कोई तीन कारण। विच इज रिड्यूस ड्यू टू, किस वजह से, रेड ब्लड सेल काउंट, एक तो आरबीसी काउंट कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाना, और पीसीबी, पीसीबी इससे रिलेटेड है रेड ब्लड सेल काउंट से। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कंटेंट, आरबीसी, ये दोनों कम हो रहे हैं मेनली कम, इस वजह से क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, जिस वजह से क्या डेवलप हो रहा है अपन का एनीमिया डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब ये कम क्यों हुआ, एक तो इसका प्रोडक्शन कम हो सकता है, या तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या फिर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, कि हाँ जितना जितना होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो गया कोई डिसीज की वजह से, या फिर ज़्यादा लॉस हो रहा है ब्लड, जैसे मेंस्ट्रुअल लॉस होता है, या कोई हीमोरेज की वजह से लॉस हो रहा है, इस वजह से भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमियस। तो एनीमिया होते हैं वो दो टाइप के क्लास, दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है मॉर्फोलॉजिकली, अपन देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकली, के बाद फिर अपन देखेंगे इटियोलॉजिकल। ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजिकल में कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है इसके साइज और कलर के हिसाब से। ठीक है, आरबीसी का कलर और साइज से अपन देख लेंगे कि किस टाइप का एनीमिया है, तो उसमें अपन क्या मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब शेप, साइज, ये और कलर देख के। ठीक है, तो साइज कैसे देखा जाता है, साइज को एक डिटरमाइन करता है एमसीबी, जिसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये साइज को डिटरमाइन करता है आरबीसी के। ठीक है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 78 से 90 क्यूबिक माइक्रोन। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे अपन कंसंट्रेशन कैसे देखेंगे, या उसका कलर कैसे देखेंगे, तो कलर कैसे पता चलता है अपन को, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो कलर इज डिटरमाइंड बाय मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCSC, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 32-38%। अब इससे आसानी से अपन पता लगा सकते हैं कि अगर 90 से ज़्यादा बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगी सर, कैसी हो जाएगी, मैक्रोसाइटिक, और अगर 78 से कम हुआ तो माइक्रोसाइटिक, दोनों के बीच में रही तो नॉर्मोसाइटिक। ठीक है, और इधर भी अपन देख सकते हैं कि 30-38 से ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, इसमें हाइपरक्रोमिक हो जाएगा, इससे कम रहा हाइपोक्रोमिक, और 30 इसके बीच में रहा तो कितना रहेगा अपन का नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। सबसे पहले अपन का है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये क्या है, इस नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, तो सेल भी नॉर्मल है और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो भी नॉर्मल है, तो अब एनीमिया डेवलप क्यों हुआ, एनीमिया डेवलप हो सकता है शायद इसमें एक्सेस लॉस हुआ ब्लड का लॉस, तो वो कौन सी कंडीशन में हो सकता है, हीमोरेजिक कंडीशन में इसका एक्सेस लॉस होने की वजह से ब्लड का। ठीक है, साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी आर नॉर्मल बट द नंबर ऑफ आरबीसी इज लेस, जिसमें क्या हो जाएगा एमसीबी क्या, देखो नॉर्मली है, एमसीएसबी कितना है नॉर्मली है, मतलब नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। फिर अपन का आता है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, तो मैक्रोसाइटिक में क्या हुआ, सेल का साइज बढ़ गया और कलर कैसा रहा, सेम रहा, मतलब ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो मैंने बताया था आपको ये पर्निशियस एनीमिया बताया था, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से भी अपन का एनीमिया बताया था। ठीक है, तो जो विटामिन B12 वगैरह ये किस लिए, मैचुरेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो अपन को पता है कि जब आरबीसी बहुत पहले बहुत बड़ी रहती है वो उसका धीरे धीरे साइज कम होता जाता है। ठीक है, तो इसके मैचुरेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं, दो फैक्टर चाहिए होते हैं, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, अगर इनकी डिफिशियंसी हो गई तो क्या रहेगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, बड़ा का बड़ा ही रहेगा, वो छोटे अच्छे से आरबीसी बन नहीं पाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, मैक्रोसाइटिक। अब ये नॉर्मोक्रोमिक भी हो सकता है, विटामिन B12 में हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है, इधर हम नॉर्मोक्रोमिक में कंडीशन कंसिडर किया है विटामिन B12 की वजह से होने वाला। ठीक है, आरबीसी आर लार्जर इन साइज विद नॉर्मल कलर, आरबीसी काउंट क्या लेस हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो भी होगा सेल्स का बहुत ज़्यादा। ठीक है, एमसीबी कितना हो जाएगा, 90 से ज़्यादा रहेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, जबकि एमसीएससी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, पर अपन देखते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसमें भी आरबीसी बढ़ जाएगी जबकि कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हाइपोक्रोमिक बस पार्ट देख लेना अपन को, किस वजह से हुआ, प्रोटीन डिफिशियंसी, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन डिफिशियंसी है, तो हीमोग्लोबिन अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी प्रोटीन चाहिए होते हैं, जो क्या क्वार्टर नहीं प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, फिर अपन का है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक
एनीमिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आरबीसी आर सिमिलर इन साइज विथ लेस कलर, इसमें क्या रहेगा स्मॉलर इन साइज, सॉरी स्मॉलर इन साइज विथ लेस कलर, तो कम हो गई है साइज में और कलर भी क्या हो गया है कम हो गया है। तो ये कौन सी डेफिशिएंसी में होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ऐसा होता है, जिसमें क्या होता है साइज कम हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन कम हो गया, तो साइज भी घट गया और उसका कलर भी कम हो गया, जिसमें साइज कितना 78 से भी कम हो जाएगा और अपन का जो MCSC है मीन्स कंसेंट्रेशन है हीमोग्लोबिन का एक RBC के अंदर, RBC के अंदर, तो वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनीमिया डिवाइड इन 5 टाइप, तो 5 टाइप के एनीमिया देखें अपन। तो 5 टाइप के जो अपन के इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है, तो सबसे पहले उसमें आता है अपन का हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेज मीन्स कोई चोट या दुर्घटना के दुर्घटनावश होने वाला एनीमिया। तो उसमें जो क्या एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, ब्लड के ज़्यादा लॉस होने की वजह से जो एनीमिया डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हीमोरेजिक एनीमिया। एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोरेजिक एनीमिया। ठीक है, ये होता क्यों है, कहाँ पे है, बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन। अब मतलब एक्यूट और क्रॉनिक मतलब कि ये तुरंत भी डेवलप हो सकता है कि हाँ तुमको चोट लगी है वही ट्रॉमा वगैरह हुआ तो तुम्हें तुरंत भी डेवलप हो सकता है, या बहुत क्रॉनिक ब्लीडिंग, बहुत लंबे टाइम से ब्लीडिंग चल रही उस वजह से भी हो सकता है। तो एक्यूट हीमोरेज रिफर्स टू सडन लॉस ऑफ ब्लड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के केस में क्या हो सकता है अपन का, एक्यूट हीमोरेजिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आफ्टर हीमोरेज द प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ब्लड रिप्लेस्ड बाय आरबीसीज रिप्लेसमेंट डज नॉट ऑक्योर क्विकली। देखो इसमें क्या होता है, 24 घंटे के अंदर प्लाज्मा का रिप्लेसमेंट तो हो जाता है तुरंत ही, बॉडी अपनी जो भी होमियोस्टेसिस का जो बढ़ाया था तो उसके हिसाब से देखो उसका प्लाज्मा का रिप्लेसमेंट तो कर देगा, पर आरबीसी जो डेवलप किससे डेवलप होनी है अपन की रेड बोन मैरो होते उससे तुरंत इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है अपन को एनीमिया डेवलप हो जाता है और उसको डेवलप होने में लगते हैं 4 से 6 हफ्ते। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्रोनिक हीमोरेज। तो क्रोनिक हीमोरेजिक एनीमिया में क्या होता है, इट रिफर्स टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। क्या देख रहे थे, हीमोरेजिक एनीमिया में इट रिफर्स टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग टाइप ऑफ पीरियड। मैंने बताया था ना, ये एक्यूट में क्या हुआ, तुरंत लॉस हुआ ब्लड का उसके 24 घंटे के तक अगर रिप्लेस नहीं हो पाए तो क्या एनीमिया डेवलप हो गया, जबकि क्रॉनिक हीमोरेज में क्या हुआ, लंबे टाइम से एक ब्लीडिंग चल रही है उसमें एक साथ ही बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, जबकि इसमें एक लंबे टाइम से ब्लीडिंग चल रही है उसके बाद होने वाला। तो ये क्या कई कंडीशन है जैसे कि पेप्टिक अल्सर, परफ्यूरा डिसीज हो गई, हीमोफीलिया डिसीज हो गई, इन डिसीज में क्या लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, इस वजह से क्या हो जाता है अपन क्रोनिक हीमोरेजिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यू लॉस ऑफ ब्लड, लॉट ऑफ आयरन इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी कॉजिंग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो इसमें भी वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ब्लड इसके साथ साथ देखिए मैं आयरन भी लॉस होने लगा है। ठीक है, और आयरन लॉस हुआ तो वही कलर जाएगा तो साइज भी कम होता जाएगा। ठीक है, नंबर भी बहुत कम होते जाएंगे क्योंकि हीमोरेज भी है। और फिर दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोलाइटिक सेल्स या ब्लड का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन की वजह से जो भी एनीमिया डेवलप होता है उसके क्या बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज द हीमोलाइटिक एनीमिया, विच इज नॉट कम्पनसेटेड बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। तो आरबीसी जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कम्पनसेट किसके साथ द्वारा नहीं हो पा रहा है, आरबीसी के प्रोडक्शन से, मतलब उसके तुलना में बहुत कम आरबीसी प्रोड्यूस हो रही है जितनी ज़्यादा जो अपन का हीमोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, अब ये भी दो टाइप का हो सकता है, एक एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, एक इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब एक्सटर्नल कॉज के कारण भी इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इंटरनल कॉज भी वही हो सकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सबसे अपन देखते हैं एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, इट इज द टाइप ऑफ एनीमिया कॉज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बाय एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज हाइपरस्पिनलिज्म। तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर मींस कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको क्या लेंगे अपन एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन इंट्रिंसिक क्या, अपन देखते हैं इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। तो एक्सट्रिंसिक अपन में कोई बाहरी किसी वजह से होने वाला हाइपरस्प्लीनिज्म, हाइपरस्प्लीन मतलब वहाँ पर स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन जब बहुत ज़्यादा होता है आरबीसीज का, तो वो जब भी हाइपरस्प्लीनिज्म हुआ तो उसमें क्या होगा आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, तो वो क्या एक्सटर्नल कॉज है। अब इंटरनल कॉज की वजह से हीमोलाइसिस हो रहा है, इट इज़ द टाइप ऑफ एनीमिया कॉज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव आरबीसीज। मतलब आरबीसीज ही नहीं ऐसे बनी, मतलब प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाई या बहुत कम मात्रा में बनी या फिर अच्छे से नहीं बन पाई, तो इस वजह से होने वाला हीमोलाइटिक एनीमिया क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इसमें क्या होती है आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पाती, इस वजह से उसका क्या हो जाता है हीमोलाइसिस हो जाता है। ठीक है,
फिर अपन देखते हैं न्यूट्रिशन डिफिशेंसी एनीमिया। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिफिशेंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप होता है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि इंडिया हो गया और अदर भूटान वगैरह जो अभी डेवलप हो रही हैं, डेवलप हो नहीं पाई, तो उनमें क्या होता है उतनी उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं रहती को प्रॉपर डाइट प्रोवाइड कर पाए हर एक पर्सन को, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज़ में क्या होता है न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी एनीमिया डेवलप होता है। एनीमिया दैट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ अ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नेसेसरी फॉर एथ्रोपोसिस कॉल्ड न्यूट्रिशन डिफिशेंसी एनीमिया। तो अगर बहुत सारा अपना कहना एथ्रोपोसिस के लिए जो आरबीसी जनरेशन होगी, आरबीसी ज़्यादा जनरेशन होगी तो अपन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी जिससे कार्य करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी, लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा जिससे एथ्रोपोसिस इफेक्ट करेगा और इससे वजह से आरबीसी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेनली अपन देखेंगे ये तीन सब्सटेंस देखेंगे आयरन, विटामिन बी12 और फॉलिक। सब्सटेंस नेसेसरी फॉर एथ्रोपोसिस आर आयरन, विटामिन बी12, फॉलिक एसिड एंड प्रोटीन। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है इन इंडिया में। ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ऑब्जेक्टिव आ भी सकता है इसका। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया का है इंडिया में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आरबीसीज आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, मैंने पहले बताया था माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक क्यों रहेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो गया तो एक तो साइज भी कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा हाइपोक्रोमिक मींस उसमें कलर भी कम हो जाएगा, ठीक है। कॉज किस वजह से हो रहा है, एक तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, ब्लड का ज़्यादा लॉस हो रहा है, एक तो इस वजह से हो सकता है डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, हाँ कॉपर वो अवेलेबल नहीं है तो एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है इंटेस्टाइन से, ले तो पूरी डाइट में रहे हैं कि हाँ पूरा मतलब एक कंसंट्रेशन मिले रहा है लेकिन वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, वही है इनटेक भी कम हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें क्या होगा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिड्यूस है इसकी वजह से क्या हो जाएगा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, अभी पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इधर का अपन को सब समझ में आ गया कि क्या एब्जॉर्प्शन कम हुआ, इनटेक कम किया तो एब्जॉर्प्शन इनटेक से भी कम हो सकता है, लॉस से भी कम हो सकता है और क्या हो सकता है अपन का एब्जॉर्प्शन भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं पर्निशियस एनीमिया, इसको दूसरा नाम होता है एडिसन्स एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है डिफिशेंसी हो जाती है विटामिन बी12 की, मैंने बताया था विटामिन बी12 आपके इसमें डीएनए फॉर्मेशन के में हेल्प करता है, किसमें आरबीसीज में, तो आप उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से, मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा तो वो बड़े के बड़े साइज में रह जाएगी और बड़े साइज में रह जाएगी तो उसका डिस्ट्रक्शन आसानी से हो जाएगा क्योंकि उसको तो रिड्यूस करना है ना, साइज बड़े साइज से छोटे साइज में आती है तो ये अच्छे से वो मैच्योर नहीं हो पाएगी, किसकी वजह से विटामिन बी12 की वजह से। इट इज़ ड्यू टू एट्रोपी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेराइटस सेल, तो पेराइटस सेल से क्या होती है कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर निकलते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकल पाएंगे प्रॉपर तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो गया, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। इट रिजल्ट पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज, ठीक है। अपन देखते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हुई, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हुई तो फिर से वो मैच्योरेशन अफेक्ट करेगा और मैच्योरेशन अफेक्ट किया तो आरबीसीज आर मेगलोब्लास्टिक एंड हाइपोक्रोमिक, मतलब ये जो आरबीसीज रहेंगी वो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में ही, जो एरिथ्रोपोइसिस की एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज होती है उसी में रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग मेगलोब्लास्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया मींस बोन मैरो से जो बोन मैरो डिसऑर्डर की वजह से होने वाले एनीमिया क्या हो जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया, तो इसमें क्या होता है बोन मैरो डिसऑर्डर होगी मींस बन नहीं कम हो गया, आरबीसीज का बन नहीं कम हो गया तो इस वजह से क्या एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। रेड बोन मैरो, इट इज़ ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यू, एक तो ये हो सकता है कि हाँ रिप्लेस हो गया किसी मतलब जो बोन फॉर्म होना था उसमें फैटी टिश्यू के द्वारा रिप्लेस हो गया, या फिर और भी कॉज हो सकते हैं रिपीटेड एक्सरेज या फिर कोई इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर ओक्योर इन रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, इनसे वजह से भी जो बोन मैरो अफेक्ट होगा जिस वजह से क्या हो गया आरबीसीज प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आरबीसीज आर नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, आरबीसीज कैसे रहेंगी नॉर्मल रहेंगी लेकिन क्योंकि उनका नंबर ही कम हुआ है इस वजह से कौन सा एनीमिया डेवलप हुआ है एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। एनीमिया अदर डिसीज़ की वजह से मतलब कोई प्रॉब्लम डिसीज चल रही है कैंसर वगैरह में डेवलप हो जाता है या कोई लंबे अरसे से डिसीज चल रही है उस वजह से जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग क्रॉनिक डिसीज की वजह से होने वाला एनीमिया, ठीक है। एनीमिया डेवलप आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ सस्टेन डिसीज, आरबीसीज आर नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, ऑक्योर्स इन क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक रीनल फेलियर, इन विच एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीटन डिक्रीज और कैंसर डिसऑर्डर्स, तो कैंसर डिसऑर्डर में भी ये क्या हो सकता है या आपको ये किडनी डिसीज हो गई उसमें क्या एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से क्या होगा बोन मैरो से क्या आरबीसीज बनना कम हो जाएंगे क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन कम हुआ जिससे एरिथ्रोपोएसिस भी कम हो जाएगी। अपन देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के क्या क्या होते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया,
तो ये साइन एंड सिम्टम्स अपन देखते हैं कि हेड एक एंड डिजीनेस, फटिंग एंड वीकनेस, ये क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो रही है, रिड्यूस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की वजह से थकान थकान सी महसूस होगी, उतना अपन अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे कोई मेहनत वाला, तो डिजीनेस, फटेक, हमेशा थकान थकान सी भय रहेगी, फिर BMR इंक्रीज़ हो जाएगा, BMR इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद स्प्लीन भी एनलार्ज होने लगेगी, स्प्लीनोमेगैली वगैरह हो सकता है, डाइजेशन मीन्स नोजिया एंड वॉमिटिंग, कलर चेंज इन स्टूल, हाँ इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस टाइप के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। लिवर का इनलार्जमेंट हो गया क्योंकि यहीं पे जो भी उसकी वजह से सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे वो यहीं पे तो डिस्ट्रक्शन होना है उनका, ठीक है। और उसके बाद किडनी, किडनी के डिस्ट्रक्शन फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, साथ ही रिप्रोडक्टिव फंक्शन, एमेनोरिया में मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया मीन्स वो पीरियड्स भी अपन के रेगुलर हो सकते हैं, और जो स्किन और म्यूक्यूजा है वो किस वजह से, बिलरुबिन वगैरह अगर कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया हीमोलिसिस की वजह से तो क्या हो सकती है, पेल और एलओएस हो सकती है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी घट गई है ब्लड की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, तो उसके वजह से क्या, टैकीकार्डिया, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है, एंजाइना क्योंकि बीच में कहीं भी रुकी हुई भी हो सकती है आरबीसी, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और हाइपर वेंटिलेशन, डिसेपनिया मतलब दर्द के साथ सांस लेना होगा, मतलब सांस लेने में दर्द होगा और हाइपर वेंटिलेशन, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे जिससे वजह से क्या, सीने में दर्द भी होने लगेगा, सांस लेने में दर्द भी होने लगेगा, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो यही अपन ने देखिए नोट्स में इंक्लूड किया है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या इफेक्ट होगा, कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम पेल, CVS सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट दोनों बढ़ जाएगा क्योंकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवानी है ऑक्सीजन, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होगा, इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, समटाइम इट लीड्स टू ब्रेथलेस एंड डिसेपनिया, मतलब कई बार तो बहुत जोर जोर सांस लेने पे दर्द भी होने लगता है और कई बार सांस नहीं भी ले पाते हैं। डाइजेशन में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी जैसा होगा क्योंकि जो अपन का ऑक्सीजन कम हुई है तो वही ठीक है, नोजिया तो लगे, नोजिया वोमिटिंग तो कॉमन ही है उसमें होगा। और किडनी, किडनी में क्या, रीनल फंक्शन जो डिस्टर्ब होगा इस वजह से क्या, एरिथ्रोपोएटिन में डिफेक्ट करेंगे और क्या, रिप्रोडक्टिव में क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मतलब मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया अपन की यूनिवर्सिटी के लिए, तो इतना बहुत है, अपन ने टाइप्स ऑफ एनीमिया देख लिया, एनीमिया के एनीमिया होता क्या है वो बता दिया, अपन को अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया बताओ, एटियोलॉजिकली क्लासीफाई करो, तो इतना सफिशिएंट है जितना मैंने वीडियो में बता दिया है, अगर आप इतना लिख के आते तो आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।